जनपद बलिया गैर प्रांत से तस्कर अपमिश्रित नाजायज शराब, दो ड्रम में 400 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट कीमत करीब 5 लाख रुपए, 3 बुलेरो गाड़ी बरामद तथा 6 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद बलिया पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अवैध शराब की तस्करी में शराब माफियाओं व तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में दिनांक 25 अक्टूबर 2018 को सायंकाल 9 बजे रात्रि के आसपास चेकिंग के दौरान मिश्रतपुर नहर पर संदिग्ध अवस्था में जय प्रकाश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी महुआरा थाना राजपुर बक्सर बिहार को बोलेरो नम यूपी 54Y2842 के साथ पकड़ा गया, जिसमें 15 पेटी विभिन्न ब्रांड के कुल 720 शीशी व 20 रिंग 20 लीटर की 3 बोतल रेक्टिफाई स्प्रिट सहित पकड़ा गया। शराब की शीशियों पर रेस अरुणाचल प्रदेश में बेचे जाने वाले शराब का लेबल लगा था। पूछताछ पर उपरोक्त जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बुलेरो सहित यह शराब में ग्राम नुसरतपुर थाना रसड़ा के रहने वाले चंदन पांडेय पुत्र देवेंद्र पांडेय के यहां से ला रहा हूं। मौके पर गांव में दो बुलेरो और खड़ी है, जिस पर अपमिश्रित नाजायज शराब लदी हुई है तथा कुछ लोग शराब की पैकिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली रसड़ा की पर्याप्त पुलिस बल द्वारा ग्राम नुसरतपुर स्थित चंदन पांडेय के घर पर घेराबंदी कर दबिश दी गई, तो मौके पर दो बुलेरो जिनका नंबर क्रमशः WB4884619 व गाड़ी संख्या WB34A7005 पकड़ी गई। दोनों बुलेरो से कुल 25 पेटी अपमिश्रित नाजायज अरुणाचल प्रदेश में बेचे जाने वाला रेस विस्की FOR SALEINARUNACHALPRADESHONLY का रैपर लगा हुआ है, जिस पर USEOFALCOHOLISINGRIUSTOHEALTH तथा 20 रिंग 20 लीटर की 3 बोतल रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद की गई। मौके से शराब गाड़ियों पर लोड करते व बनाते हुए चंदन पुत्र देवेंद्र पांडेय, गोपाल पांडेय पुत्र देवेंद्र पांडेय निवासी गण नुसरतपुर, राम अवध गौड़ पुत्र काशीनाथ गौड़ ग्राम निधरिया थाना फेफना, राज सिंह पुत्र स्वप्रेम सिंह वरियाज और राहुल अंसारी पुत्र छोटे अंसारी निवासी गण आदर्श नगर थाना फेफना बलिया में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 2400 शीशी, 180 मेगालीटर अपमिश्रित नाजायज शराब, दो बड़े ड्रम 200 लीटर के जिसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट जिससे शराब बनाई जा रही थी, 20 रिंग 20 लीटर के 7 बाटल स्प्रिट से भरे हुए 500 खाली शीशी 180 मेगालीटर की मई ढक्कन सहित 500 रैपर बॉम्बे स्पेशल विस्की, 100 रैपर ब्लू लाइन व एक बड़ा ड्रम टोटी लगा हुआ बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि हम लोग जनपद मऊ व गाजीपुर से मन्ना यादव नामक व्यक्ति से बुलेरो में भरकर शराब ले आते हैं तथा चंदन पांडेय के घर पर उसमें और मिलावट कर अपमिश्रित नाजायज शराब बनाकर अधिक दाम में बिहार प्रांत में बुलेरो से सप्लाई देते हैं। अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना रसड़ा जनपद बलिया में MU00SM0300/18 धारा 419/420 272/273 00V0 व 60/63/72 EXACT के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। फरार अभियुक्त मन्ना यादव के गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। गिरोह की भंडाफोड़ क्या है पूरा मामला? ये 25 की रात देर रात को एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 बोलेरोज रिकवर हुए हैं और लगभग 432 लीटर शराब, अपमिश्रित शराब के 2 ड्रम, रेक्टिफाइड स्पिरिट सब बरामद हुआ है और खाली बोतल और रैपर भी। इन रैपर्स पे रेस विस्की का नाम लिखा है, फॉर सेल ओनली अरुणाचल प्रदेश। वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास की जनपद से ये शराब लाकर इसमें स्पिरिट ऐड करके क्वांटिटी बना के फिर उसको अन्य प्रांतों में बेचे जाने का प्लान था, जो समय रहते पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। क्या क्या साथ में बरामदी हुई? कैसा मैंने अभी बताया, 3 अदद बुलेरो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और लगभग 432 लीटर शराब है, 2400 शीशी में, और 2 बड़े ड्रम 200 लीटर के जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट भरी हुई थी और 1 ड्रम जिसमें टोटी लगी हुई, जिससे ऐसा लगता है कि उसी से स्पिरिट निकाल के बॉटल्स में मिक्स किया जाएगा, और हमें 20-20 लीटर के 7 बड़े बोतल मिले हैं जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट भरी हुई थी। इसके अलावा 500 खाली शीशियाँ, ढक्कन, रैपर भारी मात्रा में मिले हैं। जिले के बाहर भी कोई पकड़ा गया? इसमें जो पकड़े गए हैं उनमें से 5 इसी जिले के निवासी हैं, 1 अन्य प्रांत का रहने वाला है।